हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सब रेडी होकर तैयार हो, क्योंकि संडे है और संडे के दिन आउटिंग बनती है। और रियल में बहुत बैठे बैठे बोर भी हो गए थे, और कुछ अधूरे काम जो होते हैं ना, कभी कभी कुछ पेंडिंग काम होते हैं वो याद आ जाते हैं, तो संडे को हम सोचते हैं कि लाओ आज संडे ही सारा काम कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है आज वो सारा काम करने के लिए हम निकल रहे हैं। और अविष्का अपना होमवर्क जो है वो कर चुकी हैं, इस वजह से मतलब कि जो आपका एग्जाम था वो तैयारी कर चुकी हैं, इसीलिए तो सब लोग लगे तैयारी में। तैयार होकर निकलते हैं, फिर आप लोग को भी दिखाएंगे। Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon we were shining, gem in the sunlight. We were riding till midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. माँ बेटी रेडी, और माँ बेटी क्या, माँ बेटी के जो है पप्पा भी जो है रेडी हो गए हैं और चलते हैं, ठीक है, फटाफट ले लो विश्का अपना। तो चलिए आप लोग भी साथ ही साथ चलिए हमारे। आप लोग कहाँ, आप लोगों को कहाँ छोड़ के जाएंगे हम। संडे था तो संडे को कहते हैं ना थोड़ा सा बाहर निकलना बनता है, और अविष्का ने भी अपना प्रिपेयर कर लिया एग्जाम, तो कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आ गए हैं, मतलब वेलकम अपार्टमेंट के पास में, और बस हमें जाना है पालम, क्योंकि पालम जा करके थोड़ा सामान की परचेजिंग करनी है और फिर जल्दी से घर वापस आना है, क्योंकि अविष्का को इतना ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट नहीं देना है, ताकि बच्चा जो है कल स्कूल ही नहीं जा सके। तो बस एक दो घंटे की आउटिंग है, और बस आप ही लोग हमारे साथ चल रहे हैं। देखते रहिए दिल्ली का नजारा कि कैसी है दिल्ली। चलिए करते हैं थोड़ा टाइम पास गाड़ी में, क्योंकि जर्नी लंबी है तो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वारे वा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शॉप में आई हूँ, यहाँ पर जो है मुझे टाइल्स लेनी थी, और टाइल्स के साथ जो है मुझे नेम प्लेट बनवानी थी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले ही वॉल टाइल्स ले जा चुकी हूँ, पर मेरी फ्लोरिंग की टाइल्स जो मैचिंग की होनी चाहिए वो मुझे उस समय नहीं मिली थी, और उन्होंने बोला कि बाद में आ जाएगी। और मैं इस काम को कितनी बार सोचती हूँ करने के लिए, जितनी बार सोचती हूँ उतनी बार ही ये काम जो है रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई बाधा पड़ जाती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिलहाल फिर से सोचा है इसको काम करने के लिए, देखिए सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो फिलहाल हमारा जो काम था वो हमने कर लिया है, और करने के बाद अब हम आ गए हैं घर, और बस घर पहुंचने वाले हैं, और शाम के बज रहे हैं इस समय 6:30, क्योंकि मैंने कहा मतलब जल्दी ही जाना था, हमको जल्दी ही आना था। तो फिलहाल मैंने बेल्ट लेने लगाई, तो पीपी बोल रहा है, क्योंकि मैंने बेल्ट जो है अपने घर के टाइम में आकर निकाल दी है। तो चलिए फिर घर पहुँचते हैं और चाय और समोसे के साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स,
हम आ गए घर पर और घर पे मैं बना रही यहाँ पर चाय, और चाय के साथ जो है मैं तो जा रही हूँ समोसे खाने, क्योंकि चाय और समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। और अविष्का को चाय चाहिए नहीं तो वो अपने लगी पड़ी है समोसे खाने में। और फिलहाल घर में आने के बाद बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि जो है बाहर बहुत गर्मी होती है, जब बारिश आपकी लगातार होती है तो ही ठंडक होती है, नहीं तो फिर रियल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिलहाल बहुत गर्मी है और मेरी चाय रेडी हो गई है, तो चलिए आप और हम मिल करके खाते हैं और पीते हैं चाय। और हम यहाँ पर ले रहे हैं चाय और समोसे का मज़ा, और इनके पापा भी जो है वो आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये फैमिली जो है गेट टुगेदर है छोटा सा इवनिंग टाइम में। तो यहाँ पर बैठ करके तो अभी तो फ़िलहाल हम मज़े ले रहे हैं, पर हमें नहीं पता था कि इसके बाद कोई मुसीबत या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। और हुआ क्या बेसिकली कि जब हम सोने चले ना, तो रात में हमारा एसी जो है वो एसी का जो स्टेबलाइज़र होता है वो जल गया और काफ़ी धुआं निकला उसमें से, और रात पूरी रात जो है हमने कैसे बिताई हम ही जानते हैं। तो जब भी मैं पता नहीं क्यों इस तरह का काम जब भी चाहती हूँ कि मैं बाथरूम का मेकओवर करूँ, तभी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं इसमें फंस जाती हूँ और उस काम को मैं नहीं कर पाती हूँ। और फिलहाल इस बार तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने सोच रखा है कि चाहे जो भी हो बाथरूम का मेकओवर हो के रहेगा। तो कहते हैं ना कि यही तो ज़िंदगी है जिसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, या कभी कभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर उनसे निकलना ही जो है वो ज़िंदगी का नाम होता है, क्योंकि इनसे ना घबराना चाहिए और ना कभी रुकना चाहिए, क्योंकि सो मस्ट गो ऑन हमेशा ही होता रहता है। तो फ्रेंड्स हो गया है नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है मैं जा रही हूँ बेटी को पढ़ाने, क्योंकि अविष्का का पढ़ाई तो हो चुकी थी, पर पढ़ाई के साथ साथ जो है उसको क्या है थोड़ा सा रिविज़न मैं सोचती हूँ होना चाहिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिविज़न करा देती हूँ, और रिविज़न कराने के बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी, और फिर डिनर बनाने के बाद तो जानते हैं सब लोग, खाया पिया और सोया और पचाया। तो चलिए पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाने का काम जो है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पढ़ाने के बाद फिर जो है अपने जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन मुझे बहुत याद कर रहा है। और फ्रेंड्स आज जो है हम जो है ना पुराने स्टाइल से खाना खा रहे हैं, पुराने स्टाइल मतलब जो फ्लोर पे बैठ के लोग खाते थे, तो हम वैसे ही खाना खा रहे हैं। और अविष्का को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अविष्का कभी नीचे बैठकर खाना नहीं खाई है, तो कभी कभी जो है फ्लोरिंग जो है, क्योंकि ये फ्लोरिंग बड़ी वाइट वाइट सी है, और नीचे बैठ कर के बिल्कुल आराम से खाना खाने में जो मज़ा आता है ना, कभी टेबल चेयर और डाइनिंग टेबल पर भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो अविष्का को हम दिखा रहे हैं कि ये मतलब हमारे पहले पुराने संस्कृति में होता था कि किस क्रॉस करके लोग बैठते थे और खाना खाया करते थे, तो रियल में ये भी अपना ही मज़ा होता था। तो चलिए फिर हम लोग कर लेते हैं डिनर, और आप लोग ने शायद डिनर कर लिया हो या करने वाले हो, तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। कल फिर नए व्लॉग में मिलेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।